वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा अगर वॉइस ओवर के लिए आप यूएसबी माइक्रोफोन खरीदना चाहते हैं तो उसमें बेस्ट ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं। यूएसबी माइक्रोफोन मतलब जिसे डायरेक्टली आप अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यूएसबी तो क्लियर है, यूएसबी माइक्रोफोन खरीदना, ये वीडियो इसी के बारे में बनाया गया है। लेकिन वो माइक्रोफोन डायनेमिक होना चाहिए, कंडेंसर होना चाहिए, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। इसके लिए वीडियो बनाया गया पहले कि माइक्रोफोन आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, डायनेमिक या कंडेंसर। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप रेफर कर सकते हैं। तो अगर बात करी जाए बेस्ट माइक्रोफोन्स जो मैंने खुद पर्सनली यूज किए हैं, सबसे पहला ऑप्शन सैमसंग Q2U, ये एक डायनेमिक माइक्रोफोन है। और दूसरा ऑप्शन है बेरिंगर C1U, बेरिंगर का जो माइक है ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है। तो ये तो सबसे पहले मैं आपको ये दोनों माइक्रोफोन्स सजेस्ट करूंगा। अब इनमें से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डायनेमिक परचेज करना है या फिर कंडेंसर परचेज करना है। ये डायनेमिक माइक है सैमसंग Q2U और बेरिंगर C1U ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है। ठीक है, और इससे भी बढ़िया चीज, सैमसंग Q2U ये एक ड्यूअल माइक्रोफोन है, मतलब यूएसबी के तौर पे तो उसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये XLR भी है, XLR केबल से भी कनेक्ट होता है। तो अगर आपको फ्यूचर में अगर आपका एक माइंडसेट है एक ऑडियो इंटरफेस परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये इससे भी कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ड्यूअल माइक्रोफोन है। अगर डायनेमिक माइक्रोफोन की बात करी जाए तो ये जो है सैमसंग Q2U, इसकी हम बात कर रहे हैं। और इन दोनों माइक्रोफोन्स के अलावा जो बाकी के माइक्रोफोन्स जो मैं सजेस्ट कर सकता हूं आपको, जो बाकी के माइक्रोफोन्स हैं उसमें है ऑडियो टेक्निका ATR 2100, ये एक डायनेमिक माइक्रोफोन है। और इसके अलावा सैमसंग CO1U Pro, ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हम यूएसबी माइक्रोफोन की बात करते हैं। तो आपको इस वीडियो में चार माइक्रोफोन्स बताए गए हैं और ये सारे माइक्रोफोन्स Amazon पर अवेलेबल हैं। इन माइक्रोफोन के Amazon के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे, आप इन्हें रेफर कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं जो आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन लगता है अपने बजट के हिसाब से या फिर जैसे भी आपके सेटअप के हिसाब से, डायनेमिक या कंडेंसर, वो आप जाके चेक कर सकते हैं।